भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आज भाजपा कार्यालय में रक्षाबंधन के अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की बहनें मीडिया कर्मियों को राखी बांधी और उनके सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजू ने कहा कि भाई बहन का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन में सारे लोग सुरक्षित रहें, तभी स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने जिस तरह 200 रुपये गैस सिलेंडर में छूट देकर हमें तोहफा दिया है, उसे कोटि कोटि धन्यवाद। और उन्होंने कहा सभी अपने दो हिस्से का कर्तव्य का दायित्व पूरा करें। सर्वप्रथम पूरे देशवासियों को भाई और बहन के पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। ये रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्यार का एक त्यौहार है। ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी भारतीय संस्कृति का भी प्रतीक है। और इस रक्षाबंधन के त्यौहार में हम चाहें ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सारे लोग, हमारे देश के सारे लोग सुरक्षित रहें, सुदृढ़ रहें, मजबूत रहें, स्वस्थ रहें। हमारे भाई हर इस रक्षाबंधन में भाई बहन एक दूसरे के लिए दुआ करता है, प्रार्थना करता है। हमारे भाई भी सशक्त रहें, मजबूत रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, चाहे वो बॉर्डर में रह रहे हैं वो भाई हो या हमारे समाज में रह रहे हैं सो भाई हो, सारे लोग सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे। हमारे भाई, हमारे बहन, सारे लोग सुरक्षित रहें। रक्षाबंधन के इस त्यौहार में मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस अनुसार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे बहनों को इस रक्षाबंधन में प्रति सिलेंडर 200 रुपया, उज्ज्वला बहनों को प्रति सिलेंडर 400 रुपया की कटौती की उपहार दिया है, उसके लिए धन्यवाद देंगे। और साथ ही साथ उनसे ये सीखने को भी मिलता है कि सबको अपने अपने हिस्से का जो कर्तव्य है, जो गिलहरी सहयोग है वो करें। आज हम डिपेंड रहते हैं कि कोई हमको कर देगा, लेकिन आप अपने समाज के लिए क्या किए हैं। आज इस रक्षाबंधन के त्यौहार में हमें अपने हिस्से की जो दायित्व है वो करना होगा। सबको अपने अपने हिस्से का दायित्व करेंगे तो एक अच्छा समाज, सशक्त समाज, स्वस्थ समाज हमारे लिए आएगा। जिस हिसाब से चंद्रयान 3 की सफलता जो हम लोग देखते हैं, चाहे वो उसमें महिला बहने हैं या हमारे भाई हैं, सबों ने मिलकर एक इतिहास रचने का काम किया है, तो इसरो की पूरी टीम को बधाई देंगे। साथ ही साथ जिस हिसाब से जब आर्थिक दृष्टिकोण से 5वें स्थान पर है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम 3रे स्थान पर जाएंगे, तो सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर्म से नहीं होगा। अगर वो 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं तो हम कम से कम 1 घंटा 2 घंटा अपने जो राष्ट्र सेवा के लिए हम काम करें तो राष्ट्र मजबूत होगा, तो वो समाज भी मजबूत होगा। जब समाज मजबूत होगा तो हम भाई बहन भी मजबूत होंगे। तो इसीलिए हम सारे लोगों को अपने अपने हिस्से की ईमानदारी पूर्वक हम काम करेंगे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जो सपना है वो पूरा होगा और हम भी खुश रहेंगे, समाज खुश रहेगा, देश खुश रहेगा। तो ये वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है वो फलीभूत होगा। यही संदेश के साथ पुनः आप लोगों को रक्षाबंधन की एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई।